बच्चों को आप पकड़ते रहे हो, लेकिन जिनका बच्चों ने सिलेक्शन कराया है, जिनकी हेल्प से बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, भाई उनको पकड़ो, बच्चों से भी ज्यादा वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी पेड़ को जड़ से नहीं काटेंगे, अगर इसकी जड़ को नहीं खत्म करेंगे, तो कल को जो स्कैमर है ना, जिन्होंने धांधलेबाजी कराई है, वो आगे भी किसी एग्जाम में कराएंगे। पुलिस का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इसी तरीके से धांधलेबाजी होगी जैसे अभी हो रही है। तो मेरा सबसे यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों को तो आप पकड़ के जेल भेज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन बच्चों का जो 158 स्कोर आया है उसको पकड़ के जेल भेजने से हल नहीं चलेगा। उसका 158 जो आए हैं, उसके 158 का स्कोर कराने में जितनी भी टीम शामिल है, किसी इकलौते बंदे का हाथ नहीं है। यहां पर कंपनी का जो मतलब मालिक होगा, जो भी सेंटर हेड होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी मिला हुआ है। उसके बाद 2-3 सॉल्वर होंगे, भाई इकलौता इंसान या मैं हूं, कोई भी है, तो 158 क्वेश्चन तो नहीं करा सकता। तो बहुत अच्छे स्तर पर, और कहीं ना कहीं ये जो एजेंसी है ना, जो NSIT जो एजेंसी है जो पेपर करा रही है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि उसने आंसर की जो पेपर बनाया वो पहले ही स्टूडेंट को, या फिर पहले ही जो मतलब स्कैमर थे जो पेपर सॉल्व करा रहे थे, उनको क्या कर दिया, बांट दिया, तभी इतना स्कोर पॉसिबल है। भाई GS में 40 में से 40 कोई भी नहीं कर सकता। और ये बात आप, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, UPSI को लेकर पिछले एक महीने से नहीं, लगभग 4-5 महीने से स्कैम को लेकर आवाज उठाई जा रही है। ये आपका मानना और आपका बोलना बिल्कुल गलत है कि पिछले एक महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब UPSI का एग्जाम हुआ था 12 नवंबर से जैसे स्टार्ट हुआ था, तो जब स्टार्ट हुआ था उसके कुछ समय बाद ही, आज से अगर लगभग 4-5 महीने अगर आप बैक जाएंगे, तो मैंने जब न्यूज़पेपर में कटिंग आ रही थी ना, उस टाइम पे ही मैंने बोल दिया था कि इसमें स्कैम हो रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो ये आवाज उठाई जा रही थी, और पहले भी क्या है, ट्विटर कैंपेन वगैरह चला के मतलब ये प्रयास किया सभी ने मिलके कि भाई कहीं ना कहीं इसमें स्कैम हुआ है। और अब तो सबसे बड़ी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि डेली ऐसा कोई दिन खाली नहीं जा रहा है कि जहां पर मतलब बच्चे नहीं पकड़े जा रहे हैं। और मुझे तो सबसे बड़ी बात एक ये लग रही है कि भाई बच्चों को आप पकड़ते रहे हो, लेकिन जिनका बच्चों ने सिलेक्शन कराया है, जिनकी हेल्प से बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, भाई उनको पकड़ो, बच्चों से भी ज्यादा वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी पेड़ को जड़ से नहीं काटेंगे, अगर इसकी जड़ को नहीं खत्म करेंगे, तो कल को जो स्कैमर है ना, जिन्होंने धांधलेबाजी कराई है, वो आगे भी किसी एग्जाम में कराएंगे। पुलिस का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इसी तरीके से धांधलेबाजी होगी जैसे अभी हो रही है। तो मेरा सबसे यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों को तो आप पकड़ के जेल भेज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन बच्चों का जो 158 स्कोर आया है उसको पकड़ के जेल भेजने से हल नहीं चलेगा। उसका 158 जो आए हैं, उसके 158 का स्कोर कराने में जितनी भी टीम शामिल है, किसी इकलौते बंदे का हाथ नहीं है। यहां पर कंपनी का जो मतलब मालिक होगा, जो भी सेंटर हेड होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी मिला हुआ है। उसके बाद 2-3 सॉल्वर होंगे, भाई इकलौता इंसान या मैं हूं, कोई भी है, तो 158 क्वेश्चन तो नहीं करा सकता। तो बहुत अच्छे स्तर पर, और कहीं ना कहीं ये जो एजेंसी है ना, जो NSIT जो एजेंसी है जो पेपर करा रही है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि उसने आंसर की जो पेपर बनाया वो पहले ही स्टूडेंट को, या फिर पहले ही जो मतलब स्कैमर थे जो पेपर सॉल्व करा रहे थे, उनको क्या कर दिया, बांट दिया, तभी इतना स्कोर पॉसिबल है। भाई GS में 40 में से 40 कोई भी नहीं कर सकता। और ये बात आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अब इसी को ध्यान में रखते हुए, आपको पता है कि पिछले 21 तारीख से या 20 तारीख से लगभग एक महीना कंप्लीट हो गया, भाई इको गार्डन में क्या चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहुत सारे टीचर्स भी वहां गए और हमारी टीम भी वहां पहुंची, माई बिगेस्ट क्लासेस चैनल से 2-3 दिन गए। मैंने आदित्य सर को वहां पर भेजा था लखनऊ में, ठीक है, इको गार्डन में नहीं पहुंच पाया। तो ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको कारण बताया था कि परिवार में शादी थी, इस वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर वीडियो आप देखेंगे जाके चैनल पे, आज से 4-5 महीने पहले, मैं कोई आज नहीं स्कैम के लिए आवाज उठा रहा हूं, मैंने उसी समय पे बता दिया था कि जब कुछ टीचर ये बोल रहे थे कि पेपर आसान है, तो मैंने आपको तभी बताया था पेपर आसान है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि बच्चे इतना स्कोर कर लें जितना इस आंसर की में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और कल क्या है कि भाई जब सभी टीचर मिलके क्या कर रहे हैं, भाई ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, और आज तक मैंने आपसे ये नहीं बोला है कि मेरी वीडियो को आप शेयर करें, तो आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिसको आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं वो UPSI की तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबको और हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, तब आवाज उठानी पड़ेगी। कल को ये बोलेंगे ना आप, मैं तो लेखपाल का पेपर दूंगा या मैं पुलिस का दूंगा, मेरा तो SI से कोई मतलब नहीं है। तो कल को आप जिस पेपर को देने वाले हैं ना, फिर आपके साथ भी यही होने वाला है जो आज UPSI के स्टूडेंट के साथ हो रहा है, ठीक है।
120-20 नंबर लाने के बाद में ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, 120-20 नंबर, 120-20 क्वेश्चन ठीक करने के बाद ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, 125 क्वेश्चन होने के बाद भी ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं भाई नॉर्मलाइजेशन आप इतने क्वेश्चन को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कम से कम स्कोर बच्चों को दिखाना चाहिए कि आपके 120 से या 125 से घटा के हमने 113 कर दिए हैं, तो बच्चों को बताओ या तो पेपर ही उस स्तर का बनाओ, नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल खत्म करो भाई, पेपर लगभग सेम ही होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन आप इतना अच्छा खासा फर्क लेके आ रहे हो, ठीक है। और जब भर्ती बोर्ड भी ये बात मान गया है, और मतलब कोई ऐसा यूट्यूब चैनल भी नहीं है, कोई ऐसा न्यूज चैनल भी नहीं है जहां पर ये खबर नहीं चल रही है यूपीएसआई को लेके, मैं तो फिर भी एक बात से परेशान हूं कि मतलब सरकार चाह क्या रही है, ताकि इस पर एक वर्ड बोलने से भी मतलब डर रही है। आप बोलो भाई, इसमें जब इतना बड़ा स्कैम हुआ है, बच्चे प्रूफ दिखा रहे हैं, तो आप कम से कम इसको ये बोलो कि प्रूफ ठीक नहीं है, या तो गलत साबित करो इनको या सही साबित करो। जब इतने स्तर पर लगभग 100 से ज्यादा आंकड़ा तो खुद भर्ती बोर्ड के पास है कि जो बच्चे पकड़े गए हैं, तो भाई देखिए और स्कैम कितने अच्छे स्तर पर हुआ है। तो जिनका नंबर आ गया वो भी ये ना सोचें कि भाई हमारा नंबर आ गया तो हम इस स्कैम में बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है हमारा कोई मतलब नहीं है, और आप हमारा री एग्जाम चाहते हैं, तो भाई ना कोई री एग्जाम चाहता है, ना कोई पेपर को कैंसिल चाहता है, ना भर्ती को रद्द चाहता है, सभी ये चाहते हैं कि भाई इस भर्ती की जाँच हो, जाँच होने के बाद अगर इसमें धांधलेबाजी एक अच्छे स्तर पर हुई है तो ये पेपर द्वारा होना चाहिए, पेपर कैंसिल होके द्वारा होना चाहिए, यही एक इसका सॉल्यूशन होगा। और जो डर रहे हैं ना कि सर हमारा मेहनत से आया, अरे मेहनत से आपका फिर भी आ जाएगा, पहले नहीं हुआ था क्या कैंसिल यूपीएसआई का? जब पहले इसी भर्ती इसी कंपनी ने जब पेपर कराया था तो पहले भी कैंसिल हुआ था, और कैंसिल होने के बाद में फिर से पेपर हुआ, टीसीएस ने कराया, क्या उन लोगों का फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ? तो पेपर कैंसिल की कोई भी मांग नहीं कर रहा है। तो कल क्या है, ट्विटर कैंपेन चल रहा है भाई, बहुत अच्छा खासा सभी को सपोर्ट करनी है, चाहे यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं या नहीं है, तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं वहां तक आप इसको शेयर कर दीजिए। मैं कभी आपसे वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूं, ये बात आपने देखी होगी, मैं पिछले 5-6 महीना से यूपीएसआई की वीडियो बना के कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो जो हमारा क्या हैशटैग जो रहने वाला है, हैशटैग यूपीएसआई नीड्स एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, तो क्या है भाई ये सारा स्पेस मतलब जो है कैपिटल लेटर में है जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, तो 21 मई कल सुबह 11 बजे क्या है भाई स्टार्ट हो जाना है, और सरकार और भर्ती बोर्ड को ये बात दिखा देनी है कि हाँ भाई ट्विटर कैंपेन चला के भी हम अपनी जो हक की लड़ाई उसे जीत सकते हैं, कोई हम क्रिमिनल नहीं है, कोई हम चोर नहीं है, चोर तो वो है भाई उनको पकड़ो, जब आपने मतलब 7 लोगों को अरेस्ट किया कि इन्होंने यूपीएसआई के पेपर में क्या है अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व नहीं किया, इलीगल तरीके से इन्होंने पेपर सॉल्व किया, तो उन 7 को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उन 7 के साथ साथ आपको क्या है 700 और लोग मिले हुए हैं उनको पकड़ना पड़ेगा, तभी इसका क्या हो सकता है, ये जो स्कैम चल रहा है, जो धांधलेबाजी चल रही है ना, तभी इसका अंत हो सकता है, अन्यथा भाई ये चलती रहेगी, ठीक है। आप 7 को पकड़ के यूपीएसआई वाले जो स्टूडेंट हैं उनको जेल भेज रहे हैं, उनको जेल भेजने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ साथ उनको जेल भेजिए जिन्होंने उनके 158 या 155 या 150 क्वेश्चन सही कराए हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कल क्या है, हैशटैग यूपीएसआई नीड्स एसआईटी इन्वेस्टिगेशन है, कल सुबह 11 बजे से धड़ाधड़ ट्वीट करने हैं भाई, लगभग ट्वीट की जो संख्या होनी चाहिए लगभग 2 मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा, लगभग 1.5-2 मिलियन ट्वीट होने चाहिए, ताकि भर्ती बोर्ड और सरकार हिल जाए और उनकी कानों तक ये आवाज पहुंच जाए कि जब बच्चा 1 महीने से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहा है, लखनऊ में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसका कोई जवाब आप देने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर ट्विटर कैंपेन वगैरह स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। और बाकी केस की प्रक्रिया भी चल रही है, वो भी चल, एक बात आपको याद रखनी है, कल आपको हैशटैग यूपीएसआई नीड्स एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करके आपको ये ट्रेंडिंग में लेके आना है, और सभी को अधिक से अधिक ट्वीट करने हैं, जितने भी मेरे भाई यूट्यूबर हैं, जितने भी मेरे गुरु हैं, जितने भी शिक्षक हैं, और सभी जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, सभी को सपोर्ट करना है, और वीडियो बना के जितने भी आपके पास स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट मिलकर क्या है इसको ट्रेंडिंग में लेके आएंगे। तो आज ये यूपीएसआई के स्टूडेंट के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, और ये तब इतनी बुरी बात है कि जबकि प्रूफ आपके सामने है भाई, सारे प्रूफ आपके सामने हैं और आप खुद लोगों को पकड़ रहे हैं कि हाँ इसमें धांधलेबाजी हुई है, इसमें इलीगल तरीके से वो मतलब स्कोर किया गया है, वो फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्विटर कैंपेन कल 11 बजे चल रहा है, और किस किस को टैग करना है, @myyogiadityanath, यूपी गवर्नमेंट, डीजीपी यूपी, सभी को टैग करना है, और अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, जय हिंद जय भारत।